चलो, कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कहता है एनर्जी किसी सरफेस पे पड़ रही है, इंक्रीज 20% काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करें, व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज 20% काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्रीज 0.5 से 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग के पास कोई मेटल का सरफेस है, समझना, और इस पे वॉट एवर जो भी इस पे, समझना, जिस पे एनर्जी ई इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो फोटॉन्स पड़ रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कहता है कि फोटो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस, पहले केस में वो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो थी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना। अब जब कहता है ये जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, इसका इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज 20%, मतलब इनिशियल जो पड़ रही थी किसी मेटल के सरफेस पे उसका 20% बढ़ा दिया मैं, तो ऑब्वियसली जब रेडिएशन की एनर्जी बढ़ा दोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई प्यारे बच्चों, 0.8। तो यहाँ से हमने जो काइनेटिक एनर्जी ई डैश कर दी है, जो कि इसका 20% है, तो जो दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो ये सिनेरियो दिया हुआ है, तो इस सरफेस का हमें वर्क फंक्शन फाई निकालना है। तो दो केस है, दोनों को अलग अलग आइंस्टाइन का इक्वेशन लगा देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पहले केस के लिए अगर आइंस्टाइन का इक्वेशन लगाऊं, पहले तो मैं एनर्जी ई डैश निकाल लेता हूं। ई डैश कितना है, 20% ऑफ ई, ई का 20% इंक्रीज हुआ है, तो पहले ई में ही तो इंक्रीज होगा यार, मतलब 20% ई का एक्चुअल में इंक्रीज हो गया, तो ये आ जाएगा 20/100 ई, और ये आ जाएगा प्लस ई, तो ये आ जाएगा 5, दैट इज 6e/5 ई के टर्म में, दैट इज न्यू काइनेटिक एनर्जी ई डैश। तो ये अब फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, आइंस्टाइन का इक्वेशन लगाओगे तो एनर्जी इंसिडेंट दैट इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे है और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि आइडियल केस कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का कहीं कोलिजन नहीं हुआ होगा, मानते हैं कि अच्छे से आ गया होगा। तो चलो यहाँ से पहले केस के लिए हम एनर्जी इक्वेशन लगाएं, तो E इज इक्वल टू एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना बोलो, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला चीज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही। दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी 6 टाइम्स E डिवाइडेड बाई 5, वर्क फंक्शन 5, और ये 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब अगर मुझे यहाँ से ई इसमें उठा कर रख दूँ तो ये आ जाएगा 6/5, 5+0.5, और ये आ जाएगा 5+0.8। तो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा सोल्यूशन है, तो ये आ जाएगा 6 5+3.0 इज इक्वल टू 5 5+0.40। ये यहाँ से अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये यहाँ से आ जाएगा 2 5 एंड दैट इज इक्वल टू 2, यहाँ से आ जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ध्यान देना, ये 6 5 और ये 3 और ये 4, तो यहाँ से आ जाएगा फाई की जो वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट आ जाएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना कि सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो ये सारे एनर्जी ही तो है भाई, तो सारे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वर्क फंक्शन भी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब बी ऑप्शन सही है। चलो, कहता है सोडियम